उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे हुए 41 मजदूर आखिरकार बाहर आ ही गए। उन्होंने ये जंग जीत ही ली। 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए थे और बीते दिन शाम को सभी मजदूरों को एक एक करके जब बाहर निकाला गया तो मजदूरों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सभी मजदूर इस वक्त सुरक्षित हैं और चिन्याली सौड़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। तो वहीं खुद सीएम धामी वहां मौजूद थे और अब पीएम मोदी ने फोन कर मजदूरों का हाल जाना। बता दें कि पीएम मोदी ने सकुशल बाहर निकाले गए मजदूरों से ना सिर्फ फोन पर बात की बल्कि उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने सुरंग से निकाले गए मजदूरों से ना सिर्फ फोन पर बात की बल्कि उनकी कुशलता की जानकारी ली और उनकी हौसला अफजाई की। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करके मजदूरों को सुरंग से निकाले जाने के बाद उनके लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली थी। तो वहीं मजदूरों के बाहर निकलने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की और लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद आप हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।